आगे बढ़ेंगे। जांजगीर चांपा में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 72 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। वही बता दें, बलौदा के मयूर कन्वेंशन स्कूल संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में के कर्मचारियों की मिलीभगत से घोटाले के आरोप लग रहे हैं। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल डीईओ कंप्यूटर ऑपरेटर विकास साहू और क्लर्क शिवानंद राठौर मयूर कॉनकेव स्कूल में संचालक थे। 7 गार्ड से यह घोटाला को अंजाम दिया। वह स्कूल संचालक को 7 लाख की जगह 72 लाख की ज्यादा राशि जारी कर दी गई। मामला 2019 और 20 का है। जांच की जा रही है, जिसमें कई तरह के खुलासे और होने की उम्मीद हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर चांपा के द्वारा थाना जांजगीर में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि मयूरा कॉन्वेंट स्कूल बलौदा के संचालक राजेंद्र मौर्य और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शिवानंद राठौर सहायक ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास कुमार साहू के द्वारा जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत भुगतान किए जाने वाली राशि होती है, उसका जो मांग पत्र है, जो पात्रता की राशि है, उसमें काट छांट कर उसमें पात्रता से अधिक राशि का मांग पत्र भेज कर राशि का बेईमानी पूर्वक गबन करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज किया गया। इस पर थाना को जांजगीर में धारा 420, 409, 34 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर